प्रदेश में लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए इस बार गर्मी के मौसम में आम जन को पानी के लिए जूझना पड़ सकता है। जालौर के आहोर में भी इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए स्थानीय विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित ने नर्मदा नहर परियोजना की प्रगति रिपोर्ट ली। इस दौरान जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जालौर के आहोर विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित ने आहोर क्षेत्रवासियों के लिए गर्मी से पेयजल की समस्या को देखते हुए आज नर्मदा नहर परियोजना का निरीक्षण कर जायजा लिया। विधायक के निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर बीएल कोठारी, नर्मदा नहर परियोजना व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी साथ रहे। विधायक ने अधिकारियों से नर्मदा नहर से लोगों को पेयजल की उपलब्धता की जानकारी ली। अधिकारियों ने विधायक को बताया कि बारिश के मौसम में अतिवृष्टि और बाढ़ आने के चलते नर्मदा नहर की मुख्य कैनाल जगह जगह से टूट जाने के कारण नर्मदा नहर का पानी बंद करना पड़ा था। वहीं अब नर्मदा नहर के मुख्य कैनाल में साइफन बनाकर टूटी नहर की मरम्मत करवाने सहित बारिश के पानी की निकासी सुनिश्चित कर 15 अप्रैल तक लोगों को नर्मदा का पानी उपलब्ध करवाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। मीटिंग में और कलेक्टर साहब ने और मैंने जो अधिकारी को मीटिंग लेकर कहा है कि इसको जितना ज्यादा से ज्यादा गति देते दे सकते हैं हम दें। जहां भी आपका ऊपर अगर आपको कोई तकलीफ पड़ती है हम मंत्री महोदय से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, इस काम को तुरंत गति देंगे।